इन्हें हम अपनी जगह पे फिक्स कर देते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में दो किचन DIY शेयर करने वाली हूँ, जो ये शेप फिगरीन वॉल हुक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इन्हें आप मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ कर सकते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद चेक कर लीजिए कि आपने बेल आइकन दबाया है कि नहीं। बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक कर दीजिए तो आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें से फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल लिया है, और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें जो शेप का फिगरीन बनाना है उसका शेप हम इसे देते जाएंगे। ये वाले जो शेप फिगरीन वॉल हुक्स होते हैं, ये आप सब ने भी ऑनलाइन पर देखे होंगे, और मैंने भी वहीं पर देखकर मुझे ये आइडिया मिला था कि क्यों ना इसे घर पर ही हम कम खर्चे में बना सके। तो इस तरह से देखिए, जो सबसे पहला शेप है उसकी बॉडी का और उसके हैंड्स का मैंने शेप बना लिया है एल्यूमिनियम फॉइल की हेल्प से, और अब इन दोनों को आपस में वाइट ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। तो ये हमारे शेप की बॉडी बन गई, और इसी तरह से मैंने शेप का फेस और कैप बना ली है। तो और इन सभी पीसेस को मैंने वाइट ग्लू की हेल्प से आपस में स्टिक कर दिया है। और जो नेक्स्ट जो दूसरा शेप हमें साइमल्टेनियसली मैंने दोनों बनाए हैं, तो जो दूसरा शेप हमें बनाना है तो उसके लिए एक इस तरह से ओवल शेप हमें बना लेना है एल्यूमिनियम फॉइल की हेल्प से। तो एक सिंपल जो है ओवल शेप का मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, और शेप का फेस और शेप की कैप भी मैंने बना ली है, और सेम तरीके से इसे भी वाइट ग्लू की हेल्प से मैंने स्टिक कर लिया है। तो इस तरह से ये ढांचे जो है हमारे दोनों शेप्स के, ये बनकर बना लिए हैं मैंने। आप यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल की जगह पर न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है वॉल पुट्टी, और इसका हमें जो है पानी की हेल्प से डो बनाना है। इसमें कुछ भी वाइट ग्लू वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करते हुए इसे गूंथना है, और जब इसका गोला बनने लगे तब इसे हाथों से मैश कर करके हमें सॉफ्ट बनाना है। तो इस तरह से अगर हम अच्छी तरह से वॉल पुट्टी का डो बनाते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट डो बनता है, और इसमें जो है क्रैक्स वगैरह भी नहीं आते हैं। बहुत अच्छे से हम इसके साथ काम कर सकते हैं, और ये दो घंटे तक हम इसके साथ काम कर सकते हैं, तब तक ये नहीं सूखता है। और इकोनॉमिकली भी वॉल पुट्टी काफ़ी सस्ता मिल जाता है, 30-40 रुपीज़ केजी के अराउंड ये मिल जाता है हार्डवेयर की शॉप में। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी का डो बना लिया है, और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट डो बन के तैयार हुआ है। उसके बाद इसमें से थोड़ा सा जो है डो लेके इसकी हमें एक पतली सी रोटी बनानी है, और फिर इस रोटी की हेल्प से जो पहला हमने ढांचा बनाया था शेप का, उसे हम इस रोटी की हेल्प से कवर कर लेंगे। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से लगा दीजिए, और जहाँ पर जो है चिपकाना है वहाँ पर आप थोड़ी सी पानी की सहायता से इसे चिपका सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसे कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अगर थोड़ा बहुत हिस्सा बच जाता है तो वहाँ पर आप एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी लगा कर इसे पूरा पैक कर लीजिए। और इसका जो शेप हमने बनाया है फेस का और जो कैप का, तो वहाँ पर इस तरह से देखिए, मेरे पास जो क्ले मॉडलिंग के टूल्स होते हैं, ऐसे कोई टूल्स नहीं है, तो मैंने ब्रश की जो बैक साइड होती है उसकी हेल्प से डिटेलिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें इसका जो फेस है उसकी डिटेलिंग करनी है। तो शेप जो है थोड़ा सा फैट हो तो ही अच्छा लगता है। और सबसे पहले देखिए, मैंने इसकी नाक बनाई है यहाँ पर। तो इस तरह से जो वॉल पुट्टी का क्ले है उसकी हेल्प से इसके बाकी के सारे पार्ट्स बनाकर इसके ऊपर हम लगा देंगे।
वैसे तो क्ले हमारा अभी गीला है तो ये आसानी से सारे पार्ट चिपक जाते हैं, पर अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप थोड़ा सा वाइट ग्लू लगा सकते हैं और पानी भी यूज़ कर सकते हैं। पानी की हेल्प से भी आप इन सारे पार्ट्स को चिपका सकते हैं। और इस तरह से देखिए शेफ के जो चीक्स है, जो इसके गाल है, उन्हें भी मैंने थोड़ा सा वहाँ पर क्ले लगा कर मोटा कर लिया है। और अब मैं इसकी जो मूछें है वो मैं अटैच कर रही हूँ, और इसके बाद इसकी आईब्रोज और लिप्स भी बना लेंगे। और इनको मैंने पानी की हेल्प से इसके फेस पर स्टिक कर दिया है। उसके बाद जो शेफ की जो कैप है उसे भी मैंने थोड़ा सा प्रॉपर शेप देने के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर वॉल पुट्टी ऐड करके जो है शेफ की कैप को भी एक अच्छे से शेप दे दिया है। और उसके बाद कैप को जो है नीचे की साइड से एक तरह की आउटलाइन होती है तो वो भी हम बना लेंगे। और इसके बाद देखिए शेप के ईयर्स मैंने बनाए हैं और उन्हें भी इस तरह से पानी की हेल्प से चिपका देंगे। और उसके बाद हमें इसके जो है गले में एक स्कार्फ होता है, स्कार्फ टाइप का, तो वो बनाना है और उसे भी इस तरह से यहाँ पर अटैच करना है। और इसके बाद जो शेफ के हाथ हमने बनाए थे तो वहाँ पर भी जो है ब्रश की हेल्प से मैंने थोड़ी डिटेलिंग कर ली है। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर आपको एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी अटैच करने की ज़रूरत है तो उस हिसाब से आप अटैच करते जाइए। जैसे मुझे अभी यहाँ पर जो है इसके हाथ मुझे बहुत पतले लग रहे थे तो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी यहाँ पर अटैच कर ली है। और उसके बाद जो फोल्ड किए हुए हाथ है शेफ के वो हमें बनाने हैं। तो इस तरह से देखिए मैं वॉल पुट्टी के डो के साथ ही मैं ये बना रही हूँ। और इस तरह से दोनों हाथ हम बना लेंगे। और हाथों की जो है लेंथ इतनी हो कि इस पे आप जो पावर प्लग हैंग करेंगे वो अच्छे से इस पे रहना चाहिए। बहुत छोटे अगर आप बना लेंगे तो शायद वो नहीं रह पाएगा। तो उस हिसाब से आपको इन हाथों की लेंथ रखनी है, लगभग 1 इंच से भी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी है। और अभी इसे जो है पानी की हेल्प से, या फिर अगर आपका जो पहला जो क्ले है वो ड्राई हो चुका है तो थोड़ा सा आप वाइट ग्लू लगाकर इन हाथों को स्टिक कर सकते हैं। तो अभी जो है मेरा क्ले बहुत गीला है तो ये हाथ जो है रह नहीं पा रहे थे अपनी जगह पे, तो थोड़ा सूखने के बाद मैं इन्हें अटैच कर दूंगी। और जो हमारा दूसरा शेफ है उसके लिए भी देखिए मैंने सेम वॉल पुट्टी के डो की एक रोटी बना ली है और उसे भी कम्प्लीटली वॉल पुट्टी के हेल्प से हमें कवर कर लेना है। जो बैक साइड है दोनों शेप्स की, इन्हें भी अच्छे से कवर करना है। और ध्यान रहे कि जब भी आप एल्यूमिनियम फॉइल से इसका शेप बनाएं तो बैक साइड जो है एकदम फ्लैट हो, ताकि वॉल पर हैंग करने में, वॉल पर चिपकाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपका बैक साइड जो है इवन नहीं होगा, फ्लैट नहीं होगा, तो थोड़ा सा आपको वॉल पे इसे स्टिक करने में दिक्कत आ सकती है। और इस तरह से पानी का हाथ लगाकर इसे अच्छे से फिनिशिंग दे दीजिए। उसके बाद सेम तरीके से जैसे हमने पहला शेप बनाया है तो इसकी भी हमें डिटेलिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसका नोज़ बना लिया है और टूथपिक की हेल्प से मैंने इसकी डिटेलिंग की है। और इसके अभी मैं इसके चीक्स बना रही हूँ एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी लगाकर। और जो भी हम अटैच करते हैं वॉल पुट्टी बाद में, तो उसकी जो किनारे हैं उन्हें अच्छे से पानी से सील कर दीजिए ताकि वहाँ पर बाद में क्रैक्स ना आए। और इस तरह से देखिए अब इसकी मूछें बना लेंगे। और फिर उसके बाद इसकी आईब्रोज और इसका जो नीचे वाला लिप है वो हम बना लेंगे वॉल पुट्टी की हेल्प से। आप चाहे तो, आपको वॉल पुट्टी के साथ आप कंफर्टेबल नहीं है तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग करने के लिए आप एयर ड्राई क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये सारी डिटेलिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। उसके बाद इसके दोनों ईयर्स बनाकर इन्हें भी मैंने यहाँ पर चिपका दिया है। और उसके बाद जो कैप है हमारे शेप की तो उसकी हम इस तरह से आउटलाइन बना लेंगे। और इन दोनों शेप्स का साइज जो है तो देखिए लंबाई जो है लगभग इनकी 7 से 8 इंच है और जो विड्थ है वो लगभग 5 से 6 इंच है। तो उस हिसाब से आप बनाइए।
बहुत छोटा बनाएंगे तो आपको डिटेलिंग करने में भी दिक्कत होगी और दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए शेप का मैंने स्कार्फ बना लिया है और इस वाले शेप के जो हाथ है वो बॉडी पे अटैच होंगे, तो एक हाथ इस तरह से हमने स्ट्रेट बना लिया है और दूसरे हाथ में जो है बन है शेप के, तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले एक बन बना लिया है और वो मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। शेप ने अपने हाथों में बन पकड़ा हुआ है, इस तरह से हमें दिखाना है। तो अब ये दूसरा हाथ मैंने बन के ऊपर से अटैच कर दिया है और अच्छे से पानी की हेल्प से जॉइंट्स को सील कर लेंगे और टूथपिक की हेल्प से मैंने जो है इसके हाथों की फिंगर्स की डिटेलिंग की है। अब इस वाले शेप के जो शूज़ है, जो लेग्स है, वो जो है इसका मेन पार्ट है जहाँ पर हमें पावर प्लग हैंग करना है या फिर जो भी आप दूसरी कोई चीज़ हैंग करना चाहे वो हमें हैंग करनी है। तो उस हिसाब से आपको इन शूज़ की भी जो है लंबाई आपको डिसाइड करनी है और उस तरह से थोड़े से लंबे लंबे शूज़ आपको इसके बनाने हैं। तो इस तरह से मैंने भी इसके शूज़ बना लिए हैं, पर थोड़ा सा सूखने के बाद मैं इन्हें अटैच करूँगी। मीनवाइल जो हमारा फर्स्ट शेप था वो सूख चुका है, तो अब इसके जो हाथ है वो हमें अटैच करने हैं। तो वो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगाकर मैंने अटैच किए हैं। आप चाहे तो वाइट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा जो है वॉल पुट्टी का क्ले लगाकर डो लगाकर आप इन्हें चिपका सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इन्हें चिपका दिया है और इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला शेप था तो उसके जो है लेग्स है, जो शूज़ पहनाए हुए उसके लेग्स है, वो भी मैंने चिपका दिए हैं और फिर इन दोनों को मैंने ओवरनाइट सूखने के लिए रख दिया। तो सूखने के बाद अच्छे से सूखने दीजिए और उसके बाद इसे हम पेंट करेंगे। तो जो शेफ का कोट और कैप है उसे सबसे पहले मैं वाइट कलर से पेंट कर लूँगी और एक्स्ट्रा डिटेलिंग जैसे मैंने यहाँ पर शेप की कोट पर बटन्स वगैरह लगाए हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद इसकी स्किन के लिए मैंने वाइट कलर में बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स करके स्किन कलर बनाया है और उसकी हेल्प से इस वाले शेप के जो है हाथ और फेस को हमें पेंट कर लेना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर इसकी जो स्कार्फ है उसे मैंने रेड कलर से पेंट किया है और जो शेप के लिप्स बनाए थे तो उन्हें भी मैंने रेड कलर से पेंट किया है। इसके बाद ब्लैक कलर से शेप की आईब्रोज और मूछें और जो ईयर्स की साइड में थोड़े से बाल वगैरह इस तरह की डिटेलिंग मैंने ब्लैक कलर से कर ली है और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही जो है छोटी साइज़ का मैंने ब्रश लिया है और उसकी हेल्प से मैंने इसकी आइज़ ड्रॉ कर ली है और जो शेप के बटन्स है उन्हें भी मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर लिया है। उसके बाद आइज़ की डिटेलिंग करेंगे और फ्रंट साइड सूखने के बाद हम इसे बैक साइड से भी वाइट कलर से पेंट कर लेंगे और तब तक हम हमारा जो दूसरा शेप है उसे भी इसी तरह से सेम कलर कॉम्बिनेशन से पेंट कर लेंगे। जो बन हमने शेप के हाथों में दिया है तो उसे मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर से पेंट कर लिया है। तो इस तरह से हमारे दोनों शेप्स पेंट करके रेडी हो चुके हैं और आप चाहे तो सूखने के बाद इन पर वॉर्निश का एक कोट ज़रूर अप्लाई कीजिए क्योंकि हमें इन्हें किचन में हैंग करना है, तो किचन में जो है चिपचिपाहट और
गंदगी वगैरह तो होती ही रहती है। तो इस तरह से देखिए हमारे दोनों शेप्स रेडी हो चुके हैं। बस हमारे ये दोनों शेप्स बनके रेडी हो चुके हैं और इनकी पीछे की साइड में मैंने ये बोथ साइड टेप लगा दिया है दोनों में। अच्छी क्वालिटी का स्ट्रॉन्ग वाला टेप आप यूज़ कीजिए। तो अब इन्हें हम अपनी जगह पे फिक्स कर देते हैं। अब इन्हें देखिए मुझे एज अ पावर प्लग हुक यूज़ करना है। तो मेरी किचन में जो दो स्विच बोर्ड्स है जहाँ पर मुझे इनकी बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वहीं पर मैंने यहाँ पर स्टिक किया है। और स्टिक करने से पहले जिस जगह पर आप स्टिक कर रहे हैं उसे क्लीन करना ना भूले। थोड़ा सा भी डस्ट या फिर ग्रीजी होगा वो एरिया तो ये अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इन्हें सेट होने में समय दीजिए वॉल पे स्टिक करने। और यहाँ पर देखिए जो मेरा वाटर प्यूरीफायर का केबल और प्लग है वो मैंने इसके ऊपर हैंग कर दिया है, क्योंकि यहीं पर मैं बार बार जो है मीटर वगैरह जैसी चीज़ें लगाकर यूज़ करती हूँ। तो ये वाटर प्यूरीफायर का केबल मुझे बार बार यहाँ पर जो है निकालना पड़ता है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इतना महंगा ऑनलाइन पर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो काफ़ी कॉस्टली है ये वाला जो किचन डेकोर है, तो इसे काफ़ी सस्ते में हम घर पर बना सकते हैं। और पावर प्लग के साथ साथ आप इसके ऊपर जो है कोई लाइट वेट चीज़ें जो होती है हमारे किचन में, जैसे प्लेसमैट वगैरह, ये फैब्रिक के प्लेसमेंट में इसके ऊपर हैंग कर रही हूँ, या फिर जो है लाइट वेट कीचेंस वगैरह वो भी आप इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। तो मेरे ये DIYs आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप भी इन्हें बनाइए और अपने अनुभव भी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। आपके लाइक और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ 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 मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।